नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत करें सबसे पहले यहां पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1758 का कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो सिल्वर है वो $22.5 प्रति ट्रॉय औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो आज भी एक नरमी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं सोने चांदी की, जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो देरी नहीं करेगा अपने निर्णय लेने में। और दूसरा, जो US के जो जॉब नॉन पे जॉब के जो पेरोल्स के जो आंकड़े थे, अभी जो डेटा निकल के सामने आया था उस वो लोअर देन एक्सपेक्टेड था, जितनी आशंका थी उससे थोड़ा कम निकल के सामने आया था, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पर एक प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें यहाँ से अगर एनर्जी सेक्टर की, तो देख रहे हैं कि क्रूड WTI $80 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 पर है। देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार तेज़ी की ओर जाती हुई नज़र आ रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में एक लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। दरअसल कोयला का जो संकट, कोयला संकट छाया हुआ है चीन के अंदर और अन्य देशों के अंदर भी, भारत के अंदर भी बिजली संकट है, कोयला संकट है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बढ़ गई है और कच्चे तेल की कीमतें उछलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कच्चे तेल की जो डिमांड है वो भी बढ़ी है और डिमांड के साथ साथ भारत के अंदर जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उनमें भी एक लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ती हैं अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाज़ारों के अंदर, तो भारतीय पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतें अभी बढ़ती जा रही हैं, तो अभी हाल फिलहाल में जानकारों के अनुसार ऐसा ही लग रहा है कि जो सरकार है वो पेट्रोल डीजल के दाम अभी और ज़्यादा बढ़ा सकती है। बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज एक नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। MCX जिंक देख रहे हैं आधे फीसदी की गिरावट के साथ 267 पर है। MCX निकल 1477 पर, MCX लेड 182 पर कारोबार कर रहे हैं और कॉपर 1.25% की गिरावट के साथ $4.2 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का वायदा बाजार एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जब से कोयला संकट देखने को मिला है तो बेस मेटल्स के बाज़ार में एक हल्की फुल्की भी तेज़ी बनती हुई नज़र आई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि आज एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बनता हुआ नज़र आ रहा है बेस मेटल्स की कीमतों के ऊपर। बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ रूपा जी, जो आपको बताएंगे कि आज नॉन एग्री कमिटीज में क्या करके चलना सही रहेगा। इतना बात कर लेते हैं यहाँ से सोने चांदी की। तो सोने चांदी में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि अपने जो डिसीजंस हैं उनको लेने में जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो और देरी नहीं करेगा। और दूसरा, जिसकी वजह से हमने देखा था कि बीते सत्र में जो गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो फ्लैट सेटल होते हुए नज़र आए थे, और इकोनॉमिक सपोर्ट की, इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक जो निर्णय लेगा उनमें अब देरी नहीं होगी, अभी ऐसे बयानबाजी निकल के सामने आ रही है। तो आज सोना चांदी बेस मेटल्स और कच्चे तेल में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज भी सोने चांदी की कीमतों में एक नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। खबर निकल के सामने आई है कि फेडरल रिजर्व बैंक इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए जो अपने डिसीजंस लेगा वो उनमें और डिले नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, एक तरफ से फेडरल रिजर्व बैंक का बयान और दूसरा US के जॉब के आंकड़े, तो इन दोनों के बीच में अब सोने चांदी की कीमतें कहाँ जाती हुई नजर आती हैं? देखिए, जहाँ तक सोने और चांदी की कीमतों का सवाल है, अभी हमने देखा है कि पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें तो घरेलू मार्केट के ऊपर अभी जो है वो डिस्काउंट पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जहाँ तक विदेशी बाज़ारों की बात है और उसके ऊपर काफ़ी हद तक अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व के जो फैसले हैं उसके ऊपर काफ़ी नज़र रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि बॉन्ड की परचेज में इस वर्ष कटौती किए जाने की भी आशंका बनती जा रही है, और इसके चक्कर में जो 10-year बॉन्ड यील्ड है वो जून के बाद अब तक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और अमेरिका में लेबर डिपार्टमेंट के डेटा से भी ये पता चला है कि पिछले महीने रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है, नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है, और जो कि
अनुमान से काफी जो अनुमान किया गया था उससे काफी कम है, लेकिन ओवरऑल जो अभी ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो जो है सोने और चांदी का पॉजिटिव ही है। कोई बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी जो बाजार रुका हुआ है एक सीमित दायरे में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। दरअसल गोल्ड डॉलर के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर आता हुआ हमें दिखाई दिया है। इस वजह से प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम में नहीं जा सके हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। गोल्ड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि हर निचले स्तर पर गोल्ड के अंदर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर बाजार के अंदर उठापटक देखने को मिलती है तो वहाँ पर परचेज ही करना चाहिए, बाइंग की ही रणनीति लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर किसी को स्ट्रैटेजी बनाकर चलना है तो मुझे लगता है कि सोना आने वाले दिनों में अभी जैसे जिस तरीके से हम 46,000 से 47,000 की रेंज के बीच में देख रहे हैं, कल हमने बोला भी था कि 47,200 तक ऊपर जा सकता है और आज हमने 47,100 के ऊपर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। और घरेलू बाजारों में भी सपोर्ट आया है, अब यहाँ से हो सकता है आपको 48,000 के स्तर भी सोने के अंदर देखने को मिले। तो फिलहाल मेरे हिसाब से सोने के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। आज इंट्राडे में 47,200 के ऊपर अगर सोना निकल जाता है 47,400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। ये सर रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें भी तेजी की ओर है और देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त की वजह से भारत में पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अब कच्चे तेल की कीमतें क्या और बढ़ती हुई नजर आएंगी इंटरनेशनल मार्केट में, और अगर वो कीमतें बढ़ती हैं तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं? देखिए बिल्कुल, कच्चा तेल जो है लगातार कीमतों में तेजी है। ब्रेंट $84 प्रति बैरल के भी जो है वो ऊपर बिल्कुल पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करीब है $84 के। और क्रूड देखिए आप अच्छी तेजी $80 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्रूड में लगातार हमने भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन दिया है कि आप बाइंग करके चले, और अब क्रूड जो है वो 7 सालों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। दरअसल मांग बढ़ने से इसकी प्राइसेस के अंदर तेजी देखने को मिली है, और हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था कि क्रूड की कीमतों में 5% का जो है उछाल आया था। वहीं जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $150 होती हैं तो भी इसका अर्थव्यवस्था पर इसका असर जो है वो कम होगा। तो यानी कि अभी कीमतें और बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और सऊदी अरामको ने साफ कर दिया है कि गैस संकट से क्रूड की मांग में तेजी आई है। क्रूड की मांग जो है वो 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रति महीने बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। IEA ने भी कच्चे तेल की मांग बढ़ने का अनुमान जताया है 1,50,000 से लेकर 5 लाख बिलियन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे उम्मीद की जा रही है कि ये जो है डिमांड जो है आगे और बढ़ सकती है, और इसलिए क्रूड की कीमतें जो अभी 6,070 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है, मुझे लगता है जल्द ही 6,500 का भी स्तर छू सकती हैं। अभी तो अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी करीब है, तो अक्टूबर वायदा की अगर हम बात करें तो 6,100-6,120 तक मैक्सिमम तेजी बन सकती है, और अगले महीने के वायदों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन $82 WTI के लिए एक अहम सपोर्ट ऊपरी स्तरों पर अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर एक लंबी तेजी की तरफ बाजार जा सकता है, जो कि $85 भी आपको WTI में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ब्रेंट जो है वो $84 तक और क्रूड जो है $82 के आसपास एक बार सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ब्रेंट $85 तक ऊपर जा सकता है। तो इसके मद्देनजर क्रूड के अंदर बाइंग की जा सकती है 6,720 डोमेस्टिक मार्केट में अक्टूबर वायदा देखने को मिल सकता है जी। रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स देख रहे हैं कि कल के मुकाबले नरमी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने एनर्जी सेक्टर पर क्राइसिस आते हुए देखे थे जिसकी वजह से बेस मेटल्स का बाजार उछलता हुआ नजर आया था, लेकिन आज देख रहे हैं कि ठीक उसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक प्रॉफिट बुकिंग है या फिर फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस आए हैं? देखिए बेस मेटल में मिक्स एंड ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। उठापटक का माहौल है, एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी का दौर रहता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट कमज़ोर नहीं है। आप जिंक देखिए ना, जो 260 के नीचे ट्रेड कर रहा था 268 पर है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो देखने को मिल रही है। अभी बाजारों में थोड़ा सा सुस्ती का माहौल भी है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। निकल की बात करें 1460 पर सपोर्ट है। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर 728 से लेकर 742 तक की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे हिसाब से इनमें निचले स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए, और कॉपर के अंदर भी आज अगर डिप मिलता है 728-724 के अराउंड तो बाय करके चला जा सकता है। ऊपर में 740-742 का टारगेट लिया जा सकता है। वहीं निकल 1460 पर बाइंग की जो है रणनीति बनाई जा सकती है 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं जिंक के अंदर भी तेजी है, मुझे लगता है जिंक 272 तक ऊपर जा सकती है जी। रूपा जी, बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस में भी देख रहे हैं कि कमी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में आगे कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा?
देखिए नेचुरल गैस में अभी फिलहाल जो है वो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और पीछे भी हमने एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम नेचुरल गैस के अंदर आता हुआ देखा था और फिर उसके बाद एक ही दिन में हमने इसमें गिरावट भी आते हुए देखी, लेकिन ट्रेंड नेचुरल गैस का अभी भी पॉजिटिव है। आगे उम्मीद की जा रही है कि तेजी बन सकती है और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट जो अक्टूबर वायदा है वो 410 के बाद ऊपर में जो है आप 420 से लेकर 428 तक का टारगेट ले सकते हैं। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज मुझे लगता है सोने और चांदी में ही खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। सोना ऊपर में 47,200 के बाद 47,400 तक ऊपर जा सकता है। सिल्वर की बात करें तो 62,200 तक ऊपर जा सकती है। वहीं कच्चा तेल काफ़ी पॉजिटिव है, मुझे कच्चे तेल में लगता है डिप आए तो 6,060-6,040 के अराउंड तो बाई कर सकते हैं। 6,120 का टारगेट क्रूड में भी देखने को मिल सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स से भी।